हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। इस आदमी में ऐसा कोई गुण नहीं है जो इसे महापुरुष सिद्ध करता हो। अरे ये तो भगोड़ा है, भगोड़ा। शिशुपाल दाओ भैया, क्या कर रहे हो? मैं इसके 100 अपराध क्षमा करने के लिए वचनबद्ध हूँ। किसे वचन दिया तुमने कन्हैया? अपनी बड़ी बुआ को, और किसको, जो उसकी माता है। जा जाकर अपने माँ से पूछ कर आ कि तेरे बाप का नाम क्या है। तुमने मुझे विवश कर दिया शिशुपाल। महाराज युधिष्ठिर की राजधानी इंद्रप्रस्थ में पधारे हुए सभी राजाओं, नरपतियों और छत्रधारी सम्राटों का स्वागत है। इस राज्य सभा में सर्वप्रथम हम सभी को निर्णय लेना है कि इस समारोह में अग्र पूजा के योग्य कौन ऐसा महापुरुष है जिसकी चरण पूजा महाराज युधिष्ठिर स्वयं अपने हाथों से करेंगे, क्योंकि अग्र पुरुष का आशीर्वाद पाने के पश्चात ही सम्राट युधिष्ठिर राज मुकुट धारण करने के अधिकारी होंगे। विधान के अनुसार हमें सबसे पहले अग्र पूजा के अधिकारी का ही चयन करना होगा। सो आप लोग अपनी मति के अनुसार उस महापुरुष का नाम बताएं जिसे आप अग्र पूजा के योग्य समझते हो। मेरे विचार में संपूर्ण आर्यावर्त में इस समय द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई और ऐसा पूज्यपाद नहीं है जो अग्र पूजा का अधिकारी बन सके। तात भीष्म के इस बात का मैं भी समर्थन करता हूँ। यदुनंदन श्री कृष्ण से बढ़कर इस समय कोई और दूसरा नहीं है। यह सत्य है, श्री कृष्ण ही इस सम्मान के योग्य हैं। मेरे मत के अनुसार द्वारकाधीश श्री कृष्ण ही सर्वमान्य राजपुरुष हैं। उन्हें ही अग्र पूजा का अधिकारी बनाया जाए। तो फिर ये राज्यसभा सर्वसम्मति से अग्र पूजा का यशस्वी सम्मान द्वारकाधीश श्री कृष्ण के लिए ही निश्चित करती है। इस सभा के अग्र पूजा के अधिकारी द्वारकाधीश श्री कृष्ण इस सभा के मध्य पधार रहे हैं। द्वारकाधीश श्री कृष्ण की जय। द्वारकाधीश श्री कृष्ण की जय। वानस्पतयः शान्तो विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वज्ञ चेदीराज शिशुपाल, आप सभी के इस निर्णय का विरोध करता हूं। मैं नहीं मानता, कृष्ण को अग्र पूजा का अधिकारी नहीं मानता। इस आदमी में ऐसा कोई गुण नहीं है जो इसे महापुरुष सिद्ध करता हो। अरे ये तो भगोड़ा है, भगोड़ा। सम्राट जरासंध को युद्ध में पीठ दिखाकर भागा था ये। नहीं शिशुपाल, नहीं। आप चुप रहिए महाराज द्रुपद। आप लोगों ने इसे व्यर्थ महान बना रखा है, इसे महानता का पद दे रखा है, परंतु ये तो चोर है, चोर। स्त्री लोलू भैये कामी है, अधर्मी है, अधर्मी। अरे इसके पिता का कोई ठिकाना नहीं है। कभी कहता है कि मैं नंद ग्वाले का पुत्र हूं, कभी कहता है कि वासुदेव मेरा पिता है। अरे इसे ठीक तरीके से अपने बाप का नाम तक याद नहीं। झूठा है, झूठा। शिशुपाल हाइट। दाओ भैया, क्या कर रहे हो? मैं इसके 100 अपराध क्षमा करने के लिए वचनबद्ध हूँ। किसे वचन दिया तुमने कन्हैया? अपनी बड़ी बुआ को, और किसको, जो उसकी माता है। देवी कुंती की बड़ी बहन श्रुति श्रवा का पुत्र है ये। लेकिन ये तो पराकाष्ठा है कन्हैया। तुम चिंता नहीं करो दाऊ भैया, मैं इसके अपराध स्वयं गिन रहा हूँ। देखो तो निर्लज को कैसे अपनी प्रशंसा सुन रहा है। पूरा चिकना खड़ा है, चिकना खड़ा दुष्ट। ये दूसरों का वध कराने में दक्ष है। अरे ये तो पूरा प्रपंची है, प्रपंची। शिशुपाल, मैंने तुम्हारी माँ को तुम्हारे 100 अपराध क्षमा करने का वचन दिया था। उन अपराधों की संख्या अब पूरी होने वाली है, जरा ध्यान रखो। क्या कर लेगा तू, क्या कर लेगा तू कुल के कलंक।
96 हो गए। नम भी जालसाज 97 हो गए। धूर्त चांडाल 98। मेरी वाघ दत्ता रुक्मिणी का हरण करने वाले दुष्ट पापी 99। पर पीड़क धूर्त चालाक निंदनीय है तू पूरे 100। शिशुपाल अब एक शब्द भी आगे बोला तो वो तुम्हारा अंतिम शब्द होगा। सावधान शिशुपाल सावधान। देखो तो गीदड़ सिंह को धमकी दे रहा है। अरे जा जा जाकर अपने मां से पूछ कर आ कि तेरे बाप का नाम क्या है। जा जाकर पूछ कर आ कि तेरी धमनियों में किसका लहू बह रहा है। अरे जा चाटुकार जा। बस शिशुपाल बस बहुत हुआ। अब हम सब मिलकर तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। इस सभा में शिशुपाल अकेला नहीं है हम भी उसके साथ हैं। इससे पहले कि तुम लोग मुझे हाथ लगाओ मैं इस कृष्ण को ही जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे विवश कर दिया शिशुपाल। दीनदयाल अपने पार्षद जय का प्रणाम स्वीकार कीजिए। तुम्हारा कल्याण हो। 3 जन्मों के पश्चात आज तुम श्राप मुक्त हो गए। सो हे जय तुम हमारे वैकुंठ लोक में जाओ। देखो माता लक्ष्मी ने तुम्हें लिवाने के लिए दिव्य विमान भेजा है। जा, तुम्हारा कल्याण हो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु।